ये लगी हुई है शांति व्यवस्था के मद्देनजर कि कहीं कोई इस तरह से कोई पदमली न फैलाए, कोई इस तरह से कोई बात न करे, उनको नियंत्रित करने के लिए लगाई गई। सर एक धरना भी था शहर में काफ़ी बड़े लेवल पे, उसको भी कैंसिलेशन हो गया उसका। धरने की जब अनुमति प्रशासन देता है, समझता है उचित है तो देता है, नहीं समझता है उचित नहीं देता है। और भी प्रस्ताव लोगों के आएंगे, तरह तरह के प्रस्ताव आते हैं, सबको मिलती है, सबको अनुमति मिलती है, 144 लागू है, किसी को करना होगा, कोई जुलूस निकालना होगा, तमाम गणेशोत्सव के भी आएंगे, वो अनुमति हमसे लेंगे, हम उनको अनुमति देंगे, हम देख लेते हैं कि हम उस समय मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फोर्स है कि नहीं है हमारे यहाँ, क्या स्थिति है सर की, उस लिहाज से उनको स्वीकृति आस्वीकृत करते हैं। सर अभी आपने एक निर्देश दिया है पुलिसकर्मियों को कि कोई भी शराब पीकर या किसी तरीके का वो ना बैठे, तो क्या करें? वो निर्देश हमेशा होता रहता है कि कोई मदिरा सेवन करके सिपाही कहीं पड़ा हुआ है तो पूरे वर्दी पे दाग लगता है ना, सिपाही में सिपाही कहीं का भी हो, वो चाहे शाहजहाँपुर का हो, चाहे बरेली का, चाहे मुरादाबाद, चाहे रामपुर का। तो इसलिए मेरा उनसे आग्रह था, मैंने मीटिंग में हमेशा कहता हूँ कि अपना चरित्र अपना व्यवहार दोनों बहुत अच्छा रखें, क्योंकि हमको लोग देखते हैं, समाज वर्दी को देखता है, तो हमें उसकी लाज रखनी है। इक्का दुक्का ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं लोग, तो इसलिए मैंने उनको नसीहत दी थी कि हर थाने में मीटिंग करके सबको बताया जाए इस बात को, क्योंकि इंटीग्रिटी एज ए होल होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एज ए होल, अपने दिए गए दायित्व को न करना सबसे बड़ी बेईमानी है। कि मेरा दायित्व है अगर मैं उसे नहीं कर रहा हूँ तो उससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा चरित्र है, जनता के प्रति व्यवहार है। हम काम बहुत बहुत अच्छा करते हैं लेकिन दुर्व्यवहार करते हैं, तो मैं कहता हूँ काम तुम आज का कल कर देना, लेकिन दुर्व्यवहार मत करना किसी जनता से, जनता जनार्दन है भाई।